पश्चिमी बंगाल का संदेश खाली इस वक्त जल रहा है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद पश्चिमी बंगाल महिलाओं के लिए किसी नर्क से कम नहीं। इसके चलते देश भर में लोग ममता दीदी की निंदा कर रहे हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली का सियासी पारा गर्म है। इसी बीच अब बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी कर दी है। भाजपा ने डॉक्यूमेंट्री जारी करते हुए लिखा कि संदेश खाली का एक ऐसा सच जो हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख देगा। ममता बनर्जी इस सच को छिपाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि बीजेपी की तरफ से जारी की गई वीडियो में संदेश खाली की स्थितियों को दिखाया गया है, जिस खुलासे का दावा लगातार बीजेपी कर रही थी उसकी तस्वीरें इस वीडियो में सामने आई है। इसमें तमाम स्थितियों को महिलाओं ने किस प्रकार से यहां पर नारेबाजी की, कैसे वो परेशान हुई, ये तमाम बातों का जिक्र इस वीडियो में किया गया है। ये पूरी जो डॉक्यूमेंट्री है वो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द संदेश खाली शॉकर द बिग रिवील। संदेश खाली में पिछले दिनों हुई जो हिंसा है, लगातार महिलाएं इस पूरे मामले को लेकर उठाती रही। हालांकि डर का माहौल भी महिलाओं में देखने को मिला था। महिला अत्याचार को लेकर लगातार बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है। कोलकाता से लेकर दिल्ली इस मुद्दे को लेकर गरमाया हुआ है। जानकारी के लिए बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट्री 20 मिनट 41 सेकंड की है। इसमें एक महिला ने दावा किया है कि टीएमसी नेता शिव प्रसाद हाजरा यानी शिबू हाजरा उन्हें घर से उठाकर ले जाता था। टीएमसी के लोग लड़कियों की सुंदरता देखकर उन्हें अपने साथ ले जाते थे, उनके लिए लड़कियां एंटरटेनमेंट है। एक महिला ने बताया कि शिबू हाजरा के लोग रात के 2 बजे बुलाने आते थे, कहते थे कि दादा शिबू हाजरा बुला रहे हैं, उनका आदेश मतलब भगवान का आदेश। खैर, अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने डॉक्यूमेंट्री देखी या नहीं, और अगर देखी है तो आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।